बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी जिंदगियों को मामूल पर लाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के मुतासरीन में फी कस 10,000 रुपए की इमदाद तकसीम की गई, जबकि दूसरी जानिब सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुकर्रना व रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतासरीन की अमलन हर मुमकिन मदद का सिलसिला जारी रखा है, जिसके मुस्बित असरात मुरतब हो रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जेर एहतमाम टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ओमेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मुहीद्दीन, मुतालिका कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। बता दें कि मुफ्त मेडिकल कैंप में दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स की टीम मरीजों की तशखीश और उन्हें मुफ्त दवाइयां फराहम कर रही है। इस कैंप से कसीर तादाद में आवाम ने इस्तेफादा करते हुए कायदे मजलिस का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से चंद्रायन गुट्टा ही नहीं बल्कि दीगर असेंबली हलकों में भी मेगा हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। दूसरी जानिब फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रास्त निगरानी में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत सैलाब व बारिश मुतासरीन में राशन किट्स, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े भी तकसीम किए गए। वहीं सैलाब की वजह से खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत करवाते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मुतासिरा दुकानदारों की दुकानात में सामान भी डलवाया गया ताकि उनका रोजगार जारी रहे, उनकी जिंदगियां मामूल पर लौट सके।